दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि वीपीएन का यूज लीगल है या फिर इलीगल। तो इससे मैं पहले आपको बता दूं कि वीपीएन का यूज आप दो तरह से कर सकते हैं, एक इलीगल कामों के लिए और एक लीगल कामों के लिए। अगर आप कोई लीगल काम करते हैं तो वीपीएन का यूज मैक्सिमम कंट्रीज में आपको अलाउ करती हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको वीपीएन का यूज, चाहे आप लीगल काम करें चाहे इलीगल, आपको यूज नहीं करने देती। और इलीगल कामों के लिए आप किसी भी कंट्री में हो आप उसका यूज नहीं कर सकते। इससे पहले कि मैं आपको उन इलीगल कामों के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वीपीएन का यूज क्यों करते हैं। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि हम वीपीएन का यूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, या फिर हम यूज करते हैं उन वेबसाइट्स को यूज करने के लिए जो हमारी कंट्री में ब्लॉक्ड हैं। हम बात करते हैं अब उन कामों के बारे में जो कि इलीगल कंसीडर किए जाते हैं। इन इलीगल कामों में सबसे पहले पे आता है एज रिस्ट्रिक्टेड साइट्स या फिर चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे एज रिस्ट्रिक्शन के कारण कई कंट्रीज में ये बैन है, और अगर आप वीपीएन का यूज करके अपनी कंट्री में ऐसी किसी बैंड साइट को यूज करते हैं तो वो इलीगल माना जाता है। नंबर टू पर ईमेल एंड अकाउंट हैकिंग। अगर आप वीपीएन का यूज ईमेल या फिर किसी अकाउंट को हैक करने के लिए करते हैं तो वो भी पूरी तरह से इलीगल माना जाता है। नंबर थ्री, स्प्रेडिंग वायरसेस। अगर आप किसी भी तरह से वीपीएन का यूज कर कोई वायरस को फैलाते हैं, किसी भी मीडिया फाइल में भी वायरस डालकर या फिर किसी exe फाइल में वायरस डालकर अगर आप उसे वीपीएन का यूज़ करके कहीं इंटरनेट पर फैलाते हैं तो भी वो पूरी तरह से इलीगल माना जाता है। नंबर फोर, स्पैमिंग बाय ईमेल और अदर वेज। अगर आप ईमेल या फिर किसी और रास्ते से स्पैम करते हैं तो भी ये पूरी तरह से इलीगल माना जाता है इंटरनेट पर, इसके लिए आप वीपीएन का यूज नहीं कर सकते। नंबर फाइव, फ्रॉड थेफ्ट स्कैमिंग। अगर आप इंटरनेट पर कोई फ्रॉड करते हैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर, वेबसाइट के थ्रू, या फिर आप इंटरनेट से हैकिंग से चोरी करते हैं किसी बैंक अकाउंट पर, या फिर किसी और जगह से आप चोरी करते हैं या फिर कोई स्कैमिंग करते हैं तो भी ये पूरी तरह से इलीगल होगा। और इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी कंट्री में वीपीएन का यूज़ लीगल है या फिर इलीगल, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंट्री में ये लीगल है या फिर इलीगल। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में वीपीएन का यूज़ बहुत हद तक लीगल है, लेकिन जो मैंने आपको पांच इलीगल काम बताए हैं उनके अलावा आप वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए।